हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। यूट्यूब की इस डिलाइट एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है गिरीश कुमार भाटी और आप देख रहे हो वीडियो पार्ट 3 और ये चैप्टर नंबर 2 क्लास 9 का पॉलिनोमियल। और इसमें हम आज कवर करेंगे एक्सरसाइज 2.3। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, चेक दैट 7 प्लस 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x। अब जब भी बात फैक्टर की आए तो आपको क्या करना है, पहले तो जो फैक्टर है उसको जीरो कर देना है। तो आप पहले क्या करोगे कि ये फैक्टर दिया हुआ है, ये फैक्टर है कि नहीं आपको चेक करना है। तो आप क्या करोगे, पहले आप इसको जीरो बनाओगे और यहां से जो x की वैल्यू निकलेगी उस x की वैल्यू को आप यहां पे रख दोगे और वो वैल्यू से अगर इस पूरा का जो सॉल्यूशन है वो जीरो आ जाता है तो ये फैक्टर है, ऐसा हम कहेंगे। अभी हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 7 प्लस 3x दिया हुआ है तो मैं इसको पहले जीरो बना लेता हूं। 7 प्लस 3x इज इक्वल टू जीरो कर दिया। यहां से मुझे 7 प्लस में था तो यहां जाके माइनस में हो गया और x इज इक्वल टू 3 नीचे चला जाएगा, इसीलिए ये 3 हो गया। मुझे यहां पे x की वैल्यू क्या मिली, -7/3 मिली। अब मैं क्या करूंगा कि ये जो x की वैल्यू है इस x की वैल्यू को मैं यहां पे रखूंगा, राइट। तो p ऑफ x क्या था मेरा, 3x क्यूब प्लस 7x, राइट। तो p ऑफ मुझे x की वैल्यू क्या लेनी है अभी, -7/3 लेनी है। तो ये -7/3 ले लिया मैंने, यहां पे 3 इंटू -7/3 इसका क्यूब था इसलिए क्यूब आ गया, प्लस 7 एक्स की वैल्यू -7/3 लेना था। चलिए अब पी -7/3 इज इक्वल टू, ये आप देखोगे कि चलो ये 3 कट कर लेते हैं, मगर एक बात की आपको सावधानी रखनी होगी कि यहां पे 3 की पावर 3 है, राइट। तो आप क्या कर लीजिए, 3 7 रेस टू 3 इज इक्वल टू क्या होता है, 3/4। यहां पे कोई भी इंटीजर माइनस में हो और उसकी पावर माइनस ओड में आती है, 3 ओड नंबर है, तो आंसर किस में आता है, माइनस में आता है। और 3 की पावर 3 कितना होता है, 27 प्लस 7 जा 49/3। अभी हम क्या करेंगे, अब हम इसको कट कर सकते हैं 3 9 जा, तो p ऑफ -7/3 इज इक्वल टू 3/4 3/9 प्लस -49/3। यहां पे 3 है और यहां पे 9 है तो मुझे एलसीएम को इक्वल करने के लिए मुझे यहां पे 3 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा ताकि ये 9 हो जाए। p ऑफ -7/3 इज इक्वल टू 3/4 3/9 -49/3 जा हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जल्दबाजी में कोई गलती नहीं चाहिए। 9 3 जा 27, 4 3 जा 12, 147/9, राइट। अब p ऑफ -7/3 इज इक्वल टू -+ 3/4 3 और 147 का प्लस कर लेना है और 3/4 3 बड़ा था इसलिए इसके आगे साइन किसकी आएगी, माइनस की आएगी। 7 + 3 इज इक्वल टू 0 कैरी 1, 4 + 4 8, 8 + 1 9, 3 + 1 4/9 और आगे साइन किसकी लगानी है, माइनस की लगानी है। इस तरीके से p की वैल्यू -7/3 रखने से आपको जो आंसर मिल रहा है वो -490/9 जो 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि
7 plus 3x is not factor of 3x cube plus 7x. अगर यहाँ पे 3x square होता, क्वेश्चन में 3x cube plus 7x दिया हुआ है, आप जब प्रैक्टिस करो तो ट्राई करो 3x square plus 7x ले लो, तो आपको शायद से यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो आपको जीरो मिले। आपको एक बार कंफर्म कर लेना है कि जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर यहाँ पे जीरो आता तो मैं ऐसे बोल सकता था कि 7 plus 3x is a factor of 3x cube plus 7x, ठीक है। तो इस तरीके से कोई नंबर दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं वो हम चेक करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको सॉल्यूशन करने में आसानी रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप इस वीडियो को पॉज करते करते देखिए ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं, राइट। यहां पे हम सेकंड क्वेश्चन ले रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन, ये जो पूरा पॉलिनोमियल है अगर मैं इसको x बाय a से डिवाइड करूं तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा वो हमें पता करना है, वो हमें फाइंड करना है। अब कभी भी किसी नंबर का रिमाइंडर कैसे फाइंड करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं, राइट। बट इसके लिए एक शॉर्टकट है। आप पहले क्या करो, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में जो नंबर था उसको जीरो किया था और यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू मिली थी उसको हमने यहाँ पे रखा था तो हमें कुछ ना कुछ आंसर मिला था। पीछे वाले क्वेश्चन में माइनस 4 9 बाय 7 मिला था, वो एक तरह का रिमाइंडर ही था। मतलब हमें पीछे वाली क्वेश्चन की मेथड ही यहाँ पे फॉलो करनी है और कुछ नया नहीं है। तो पहले मैं यहाँ पे x माइनस ए है उसको मैं जीरो रख लेता हूँ, x माइनस ए इज इक्वल टू जीरो रख दिया, जिसकी वजह से x इज इक्वल टू ये माइनस ए था उधर जाके ये प्लस ए हो जाएगा। अब मैं इस x इज इक्वल टू ए की वैल्यू को मैं यहाँ पे रखूंगा तो मुझे कुछ ना कुछ रिमाइंडर मिलेगा। चलिए मेरे पास पहले तो p ऑफ x क्या था, x क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए था। अब मेरे पास x इज इक्वल टू ए लेना है इसलिए p ऑफ a इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए था, राइट। अब जहां जहां पे x होगा वहां पे मैं क्या रखूंगा, a रखूंगा, a क्यूब माइनस a इंटू ए स्क्वायर प्लस 6 इंटू ए माइनस ए, राइट। अब p ऑफ a इज इक्वल टू a क्यूब माइनस a स्क्वायर इंटू a, यहां पे कुछ नहीं है तो 1 है, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू a 3 प्लस 6a इज इक्वल टू 6a माइनस a। p ऑफ a इज इक्वल टू a क्यूब में से a क्यूब जाएगा तो ये कट हो गया, यहां पे 6a माइनस a, 6 में से 1 गया तो p ऑफ a इज इक्वल टू 5a हो जाएगा। मतलब जब हम इस पॉलिनोमियल को x माइनस a से डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा, हमें जो रिमाइंडर मिलेगा वो क्या होगा, पी ऑफ पी ए होगा। क्लियर हुआ। जैसे अगर मैं आपको शॉर्ट में समझाना चाहूं तो यहां पे एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए को मैं x माइनस ए से डिवाइड करूं तो मुझे यहां पे कुछ ना कुछ रिमाइंडर मिलेगा, वो क्या होगा, 5a होगा। तो इस तरीके से हमने जैसे x माइनस ए का डिवीजन तो हम कर सकते हैं बट ये शॉर्टकट मेथड है, इसमें एरर होने के, गलती होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं और आप तुरंत किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि सॉल्यूशन करने में आसानी रहे। चलिए
नेक्स्ट अभी हम क्या करेंगे, यहां पे एक क्वेश्चन है फाइंड रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन इज डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन। पीछे वाले क्वेश्चन में जो किया था वही का वही इसमें करना है, कुछ नया नहीं है, वही मेथड फॉलो करेंगे। इस नंबर को पहले जीरो कर लेते हैं, x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, ये वन राइट साइड में गया, x इज इक्वल टू जीरो माइनस वन, x इज इक्वल टू माइनस वन, राइट। अब इस x की वैल्यू को हम यहां पे रखेंगे, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स प्लस वन। अब मुझे x की वैल्यू माइनस वन रखनी है, इज इक्वल टू माइनस वन रेज टू थ्री प्लस थ्री एक्स माइनस वन रेज टू टू प्लस थ्री माइनस वन प्लस वन। पी ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन की पावर ओड है इसलिए माइनस वन आंसर आएगा, प्लस यहाँ पे थ्री इंटू माइनस वन की पावर इवन है तो ये प्लस में हो जाएगा और थ्री बन जा थ्री, प्लस प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, थ्री बन जा थ्री प्लस वन। p ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन प्लस थ्री माइनस थ्री प्लस वन, माइनस थ्री प्लस वन प्लस थ्री कट हो गया, माइनस वन प्लस वन कट हो गया। इसका मतलब p ऑफ माइनस वन रखने से आपको आंसर क्या मिला, जीरो मिला, रिमाइंडर क्या मिला, जीरो मिला। और ये एक आपके लिए पॉजिटिव रिस्पॉन्स है कि देखो x की वैल्यू माइनस वन रखने से यहाँ पे आपको क्या मिल गया, जीरो मिल गया। इसका मतलब ये होता है कि x प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। और अगर आप इस पॉलिनोमियल को इस नंबर से डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। और जब रिमाइंडर जीरो हो जाता है तो ये जो नंबर होता है ये नंबर इसका फैक्टर बन जाता है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछते हैं कि फैक्टर है कि नहीं चेक करो, तो यही मेथड आपको करनी है। और अगर लास्ट में जीरो आता है तो वो फैक्टर है, और अगर जीरो नहीं आता है तो वो फैक्टर नहीं है। क्लियर हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे वाले वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 2.4 कवर करेंगे। इस वीडियो को हम यहाँ पे ही खत्म करेंगे। हम आपको मिलेंगे वीडियो पार्ट 4 में, और उसके अंदर हम एक्सरसाइज 2.4 आपके साथ कवर करेंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।